हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं कि हम इच्छे बिच्छे के स्टोर गए थे। तो हमको हमेशा से इच्छे बिच्छे के स्टोर जाना था, और जब हम यहाँ गए तो यहाँ सब कुछ था, मतलब जो भी क्राफ्ट में यूज़ होता है। तो आपको इच्छे बिच्छे के स्टोर में हर तरीके के क्राफ्ट सप्लाईज मिल जाएंगे, या आप अगर आर्टिस्ट हो तो आपको हर तरीके के पेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर हम कुछ डाई कटआउट्स के डाइस देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो हम एक्सप्लोर कर रहे थे। यहाँ पे हम कुछ पेपर बैग्स देख रहे हैं कि इनके पास कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं। मेरे को यहाँ पे ड्रीम कट मशीन दिखा, और फिर हम लोग आगे वाले सेक्शन में चले गए। यहाँ पे स्केलेटन्स थे, जो कि देख के हम और मेरी बहन बहुत हंसे। फिर आगे वाले रो में यहाँ पे पेपर्स का सेक्शन है। यहाँ पे बहुत वैरायटीज़ के पेपर हैं, स्प्रे पेंट है, चॉक पेंट है, डिफरेंट टाइप के ब्रशेस हैं, कैनवास हैं, मतलब इट्स ए बिच इज़ ऑल अबाउट क्राफ्टिंग एंड आर्ट। यहाँ पे अच्छे से पूरा टाइम दे करके एक्सप्लोर कर रहे थे शॉप को, क्योंकि हमको बहुत टाइम से इट्स ए बिच जाना था। तो जब हम वहाँ गए तो हम बहुत अच्छे से चीज़ों को देख रहे थे। यहाँ पे हम कुछ बीट्स देख रहे थे। यहाँ पे आपको ज्वेलरी मेकिंग का भी सामान मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हम पेपर पंचर चूज़ किए हैं कि मेरे को कौन सा चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, और कितनी वैरायटी है। फिर यहाँ पे कुछ एक्सटेंशंस हैं जो कि कार्ड मेकिंग में यूज़ होता है। फिर यहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट स्टिकर्स भी हैं, आपको थीम के भी स्टिकर्स मिल जाएंगे और 3D स्टिकर्स भी मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, ये स्क्रैप बुक में यूज़ होता है। और भी यहाँ पे आपको बहुत सारी फैंसी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पे MDF कटआउट्स हैं जो कि स्क्रैप बुक में यूज़ होता है डेकोरेशन के लिए। और भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इट्स जस्ट लाइक हेवन सारे क्राफ्टर्स और आर्टिस्ट के लिए। और हम यहाँ पे फिर से आके कुछ डाई कट देख रहे हैं। फिर हम हर एक एक डाई कट को देख रहे थे कि कौन सा वाला बेटर है, कौन सा वाला हमको लेना चाहिए। वहाँ पे इतनी सारी वैरायटीज़ थी कि हम बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि हमको क्या लेना है और क्या नहीं। यहाँ पे कुछ MDF बॉक्सेस हैं, अल्फ़ाबेट है MDF के, जो कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यूज़ कर सकते हो, या आप उसको नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे अगर आपको अच्छे बच्चे से कोई सामान लेना है तो आप उसके वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हो, या आप इनके इंस्टाग्राम से भी ऑर्डर कर सकते हो। और यहाँ पे हम फिर से पेपर पैक देख रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट थीम के भी पेपर पैक थे, अगर जैसे बेबी गर्ल बेबी बॉय के लिए स्क्रैप बुक बनाना है उस थीम का, और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्क्रैप बुक थे। तो इस वाले सेक्शन में कुछ और क्राफ्टिंग का सामान था, जैसे कि आइसक्रीम स्टिक्स, कुछ पॉम पॉम्स, और भी काफ़ी कुछ था यहाँ पे। तो काफ़ी टाइम बिताने के बाद हम कुछ चीज़ें खरीदे हैं, तो ये हम आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।